नमस्कार दोस्तों तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर जो है स्ट्रैप्स के बारे में बात करने वाले हैं तो स्मार्ट वॉच तो जो यहाँ पर काफी सारे लॉन्च होते रहते हैं महीने में एक ही ब्रांड जो यहाँ पर दो तीन स्मार्ट वॉच लॉन्च कर देता है थोड़ा बहुत पर डिजाइन में चेंज करके बट जो स्मार्ट वॉच है ना उसका तो डिजाइन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है लेकिन स्ट्रैप जो हमेशा से आपको सेम ही देखने को मिलता है सभी स्मार्ट वॉच में तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ स्ट्रैप्स ऑर्डर किए है ट्वेंटी एम और ट्वेंटी टू एम की तो उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ साथ जो यहाँ पर राउंड डायल और स्क्वायर डायल वाले स्मार्ट वॉच पर जो है इन स्ट्रैप्स को लगाकर भी देखेंगे तो वीडियो को जो यहाँ पर लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो 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 पर 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 जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमने पर जो है सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है हमारे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट बेस्ट डील्स और ऑफर्स वगैरह बताता रहता है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्टेप है उनके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं उसके बाद जो एक एक करके उन्हें हम यहाँ पर वॉचेस पर लगाकर देखेंगे तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर इस स्ट्रैप के जो पर अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है कुछ नाइक एडिशन टाइप का जो स्ट्रैप है जो कि मैंने यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में परचेस किया है काफी सारे डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है ये वाला स्ट्रैप और इसकी क्वालिटी भी ठीक है मतलब मैंने इसे जो यहाँ पर तीन सौ रुपए में परचेस किया ना उस हिसाब से इसकी क्वालिटी भी जो है ठीक है अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाती है तीन सौ रुपए में और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्ट्रैप के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर जो एक मेटल स्ट्रैप भी ऑर्डर किया है तो यहाँ पर आप पैकेजिंग देख सकते हो पैकेजिंग देख के आप इसका जो प्राइस जज करो मैं आगे बताऊंगा इसका प्राइस क्या आपको तो स्ट्रैप को जो है सबसे पहले ऐसे कवर से जो है बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पर जो है स्ट्रैप देखने को मिलता है बेसिकली मेटल स्ट्रैप है मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया है डिफरेंट कलर में अवेलेबल है ये वाला स्ट्रैप भी लेकिन मेटल स्ट्रैप है तो ब्लैक कलर में ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पूरा ब्लैक कलर में ही ऑर्डर किया और इसकी क्वालिटी भी ठीक है मतलब मैंने इसका प्राइस अभी तक नहीं बताया ना आपको तो इसका जो प्राइस है ना वो फोर नाइनटी नाइन मतलब पांच सौ रुपए में जो है मैंने इसे परचेजे किया है तो उस हिसाब से देखें तो डिसेंट सी क्वालिटी बोलूंगा मैं ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है डिसेंट सी क्वालिटी है तो अभी तो बस यहाँ पर जो हम स्ट्रैप्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं बाद में यहाँ पर जो है वॉचेस पर भी लगा के देखेंगे कि किस टाइप का आपको पर लुक मिलता है और जितने भी स्ट्रैप बताने वाला आज की वीडियो में सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आपको कौन सा भी स्ट्रैप अच्छा लगता है तो आप उसे एक बार जो है चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर अगर पर तो पर जो जो है नेक्स्ट स्ट्रैप के बारे में बात तो आपको कुछ इस टाइप के बॉक्स में देखने को मिलता है सबसे सस्ता जो ये वाला स्ट्रैप है लेकिन इसकी पैकेजिंग जो है काफी बढ़िया थी तो कुछ इस टाइप का आपको पर जो है बॉक्स देखने को मिल जाता है और अंदर की तरफ आपको यहाँ पर स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे बॉक्स ओपन करते यहाँ पर जो है मैंने कुछ लेदर स्ट्रेप भी ऑर्डर है तो ये जो है डार्क ब्राउन कलर का एक लेदर स्ट्रैप है और प्राइस रेट के हिसाब से इसकी भी क्वालिटी जो है काफी बढ़िया इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस है ना सौ रुपए के आसपास ही था मैंने दो सौ रुपए के आसपास ही इसे परचेस किया है तो क्वालिटी तो अच्छी है दो सौ रुपए के हिसाब से इसकी नेक्स्ट अगर मैं आप जो है दूसरे स्ट्रैप के बारे में बात करें तो ये भी जो है काइंड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रैप ही हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसे भी आप जो है मैग्नेट की मदद से अटैच कर सकते हो तो इसे जो है मैंने पर रेड कलर में ऑर्डर किया है ये भी जो ए, काफी सारे कलर में अवेलेबल है पर्सनली मुझे रेड थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर रेड कलर में ऑर्डर कर दिया है बाकी इसमें जो है थोड़ा बहुत ब्राउन कलर का भी आता है जो की काफी बढ़िया लगता है देखने में तो देख सकते हो ये भी जो है थोड़ा बहुत मैग्नेटिक टाइप का स्ट्रैप है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका भी प्राइस जो है पर फोर नाइनटीन मतलब फाइव हंड्रेड है उस हिसाब से तो इसकी भी क्वालिटी जो है काफी डिसेंट सी है और आज यहाँ पर लास्ट स्ट्रैप के बारे में बात तो परचेज किया था तो इसकी जो क्वालिटी है, है तो नॉइस का जो ऑरिजिनल स्ट्रप तो है स्ट्रैप मिल जाएगा बेसिकली वेलक्रो स्ट्रैप है तो इस स्ट्रैप का भी जो है ना काफी बढ़िया है सात में आपको मिल जाएगा नॉइस की वेबसाइट पर इसका भी लिंक मतलब जितने भी स्ट्रैप बताए ना उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथ साथ और भी मुझे कुछ और भी स्ट्रैप पता है उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जो है जरूर से चेकआउट कर लेना वीडियो को जो है आपने यहाँ तक देख लिया और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको और एक बार बोलना चाहूंगा कि चैनल को जो यहाँ पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए जो है सभी स्ट्रैप को एक एक करके यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस पर लगाकर देखते हैं और मैं स्मार्ट वॉच बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्ट वॉच पर लगा रहा है वो भी जो आपको बताऊंगा यहाँ पर डिटेल में तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है जो स्मार्ट वॉच यूज करने वाले वो यहाँ पर नॉइस कलर फिट प्रो थ्री क्योंकि ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना यहाँ पर ट्वेंटी टू एम एम के स्ट्रैप सपोर्ट करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्ट्रैप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर जो नाइक एडिशन टाइप का जो ब्लैक और ग्रीन कलर में आता है वो वाला स्ट्रैप है क्योंकि वाला टाइप भी जो ट्वेंटी टू एम एम का स्ट्रैप है तो आपको जो यहाँ पर कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो है लुक देखने को मिल जाता है काफी बढ़िया लग रहा है स्क्वायर डायल पर तो वाला स्ट्राप और थोड़ा तो बहुत जो आपको पर स्पोर्टी टाइप का फील देखने को मिल जाता है यहाँ पर तो एक बार मैं आपको पर जो है वॉच को पहनकर भी दिखाया था यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको पर जो है लुक देखने को मिल जाता है और इसका जो फिटिंग है ना वो भी काफी बढ़िया है और अगर हम इसी स्ट को जो पर राउंड वाले वाले स्मार्ट वॉच पर लगाए तो आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिल जाता है मैंने अभी जो वाला स्ट्रेप जो यहाँ पर फायरबल टॉक स्मार्ट वॉच में लगाया हुआ है क्योंकि फायर बोल टॉक भी जो यहाँ पर ट्वेंटी टू एम ए स्ट्रेप ही सपोर्ट करता है तो राउंड डायल पर भी जो है काफी बढ़िया से सूट कर रहा है यह वाला स्ट्रैप और अच्छा खासा ही लग रहा है मतलब स्क्वायर डायल पे थोड़ा सा बेटर लग रहा था इस पर भी जो है ठीक ठाक ही लग रहा है राउंड डायल वाले स्मार्ट वॉच पर भी तो चलिए अब हम जो यहाँ पर जो रेड वाला स्ट्रैप है जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर मैग्नेटिक टाइप का स्ट्रैप है इसे हम जो यहाँ पर वॉच पर लगाकर देख लेते हैं जो एक ट्वेंटी एम का स्ट्रैप है तो इस स्ट्रैप के लिए हम जो यहाँ पर राउंड डायल वाला स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है बोल्ड थ्री सिक्सटी है क्योंकि फायर बोल थ्री सिक्सटी यहाँ पर जो है ट्वेंटी एम के स्ट्रैप सपोर्ट करता है तो राउंड डायल वाले स्मार्ट वॉच पर आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लुक मिल जाता है मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डायल है वो ब्लैक है और स्ट्रैप रेड है तो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है बट दिखने में तो जो वॉच का लुक है ना वो काफी बढ़िया लग रहा है मैं आपको एक बार जो है पहन कर भी दिखाया था आपको जो है थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा इसके बारे में और पहनने के बाद आपका यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लुक मिल जाता है इसका जो मैगनेट है ना वो भी ठीक है मतलब अच्छा खासा यहाँ पर फिट हो जाता है आप जो इतना टाइट इसे फिट करोगे उतना टाइट फिट हो जाएगा क्योंकि फिटिंग भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैप में और यहाँ पर हम जो इस स्ट्रैप के लिए स्क्वायर डायल वाला जो स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं ना वो यहाँ पर मैट्रिक्स है क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पर जो है ट्वेंटी एम के स्ट्रैप सपोर्ट करता है और ये भी जो है ट्वेंटी एम का स्ट्रैप है तो फायर वोल्ट मैटिक्स पे तो जो है काफी बढ़िया से सूट हो चुका है यह वाला स्ट्रैप मतलब जो स्क्वायर डायल वाले जो स्मार्ट वॉच होते हैं उस पे ना उस काफी बढ़िया लगेगा वाला स्ट्रैप तो लुक्स में तो जो है वॉच काफी बढ़िया लग रहा है मैं आपको एक बार जो है पहनकर भी दिखाया था तो आप देख सकते हो तो काफी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद भी तो मैट्रिक्स पे तो जो है काफी बढ़िया से सूट हो चुका है मतलब जो थोड़े बहुत स्क्वायर डायल वाले स्मार्ट वॉच होते हो हैं उसके साथ आप इसे यूज कर सकते हो इसका जो मैग्नेटिक पावर है ना वो भी मैंने बताया अच्छा ही है नेक्स्ट अगर यहाँ पर जो है दूसरे स्ट्रैप के बारे में बात करें तो अभी यहाँ पर जो हम फिर से फायरबॉल टॉक यूज करने वाले राउंड डायल में अभी जो हम जिस स्ट्रैप के बारे में बात करने वाले वो यहाँ पर जो डार्क ब्राउन में लेदर वाला स्ट्रैप था ना वो भी ट्वेंटी टू एम का स्ट्रैप है इसलिए हम यहाँ पर जो फायर है फिर से फायरबल टॉक स्मार्ट वॉच यूज करने वाले हैं राउंड डायल वाले में तो देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है वाला स्मार्ट वॉच मुझे पर्सनली भी जो है लेदर वाला जो है ना काफी अच्छा लगा था वॉच पर लगाने के बाद भी जो है काफी बढ़िया लुक मिल रहा है तो अगर आप यहाँ पर जो है जॉब वगैरह पर पहन के जाते हो या फिर ऑफिस वगैरह में पहन के जाते हो तो ये लेदर वाला स्टैप आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा वॉच पर भी जो है काफी बढ़िया से सूट हो रहा है और पर्सनली राउंड वाले पर जो है काफी अच्छा लग रहा है तो एक बार मैं आपको यहाँ पर जो है पहनकर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया जाएगा आपको यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बढ़िया सा लग रहा है ये तो यहाँ पर स्टैप की क्वालिटी भी अच्छी है साथ साथ वॉच पर भी काफी बढ़िया से सूट हो रही है एक बार हम यहाँ पर जो है इस स्टैप को एक बार जो है स्क्वायर डल वाले वॉच पर भी लगाकर देख लेते तो स्क्वायर वाले वॉच के लिए पर मैंने जो है फिर से नॉइस कलर फिट प्रो थ्री यूज किया है तो इसमें भी आप देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है मतलब स्क्वायर डल वाले पर भी काफी अच्छे सूट हो रहा है राउंड डाल वाले पर भी अच्छा लग रहा था और स्क्वायर डाल वाले पर भी जो है काफी बढ़िया लग रहा है ये वाला स्ट्रैप तो आप इस यूज के लिए अगर आपको यहाँ पर जो है स्मार्ट वॉच चाहिए तो इस टाइप का आप यहाँ पर जो स्ट्रैप वगैरह यूज कर सकते हो काफी बढ़िया लुक मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहनने के बाद भी जो है काफी अच्छा सा लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है चाहे यहाँ पर राउंड डाल वाला स्मार्ट वॉच हो या फिर स्क्वायर वाला वाला स्मार्ट वॉच है जो लेदर वाला स्ट्रैप है काफी बढ़िया से सूट कर रहा है दोनों पे और बात करें तो फिर से हम यहाँ पर जो है मैट्रिक्स स्मार्ट वॉच यूज करने वाले हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो स्ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं वो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का मैग्नेटिक स्ट्रैप है उसके बारे में क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैप है एम का स्ट्रैप है तो ये वाला स्ट्रैप भी जो है काफी बढ़िया लग रहा है मतलब पर जो स्क्वायर डल वाला वॉच है इस पर काफी बढ़िया लग रहा है ये वाला स्ट्रैप भी तो ये जो एक मेटल स्ट्रैप और आपका यहाँ पर जो मैग्नेटिक पावर है ना वो भी काफी अच्छा मिलता है काफी स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर जो है मैगनेट मिल जाता है और वॉच को पहनने के बाद आपको पर जो है कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिल जाता है तो काफी बढ़िया लगता है मतलब ब्लैक कलर में मैंने परचेस किया है आप चाहे तो दूसरे और भी कलर होते या फिर ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में भी आता है ये वाला स्ट्रैप तो देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है स्क्वायर डायल वाले पर तो एक बार हम जो है इस स्ट्रैप को राउंड डायल वाले वॉच पर भी लगाकर देख लेते हैं और राउंड डायल वाले वॉच के लिए मैं यहाँ पर जो है फायरबोड थ्री यूज कर रहा हूँ और देख सकते हो राउंड डायल वाले पर भी जो है काफी बढ़िया लग रहा है काफी अच्छे सूट हो रहा है तो अगर आपको एक बजट में जो है मेटल स्ट्रैप चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है इस स्ट्रैप के साथ भी जा सकते हो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको एक बार चेकआउट करना है तो आप कर लेना तो आज के हमारे जो यहाँ पर लास्ट स्ट्रैप के बारे में बात करें तो बेसिकली ये जो है एक वेलक्रो स्ट्रैप है और मैंने इसे जो है नॉइस की वेबसाइट से परचेस किया है तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है क्योंकि इसका प्राइस भी जो है थोड़ा सा हाई है सेवन हंड्रेड रुपीज में मिलता है आपको ये तो इसे मैंने यहाँ पर जो है फायर बोल्ड टॉक में लगाया हुआ क्योंकि जो ये जो है ट्वेंटी टू का स्ट्रैप है तो देख सकते ये वाला स्ट्रैप जो है काफी बढ़िया लगता है क्योंकि मैं इसे जो है काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ ये वाला जो स्ट्रैप है मेरे पास पहले से और मैं जो है डेली इस स्ट्रैप को यूज करता हूँ किसी भी वॉच के साथ और वॉच को पहनने के बाद आपको पर जो है कुछ इस टाइप का लुक मिल जाएगा मैं जैसे कि बताया डेली पहनता हूँ ये वाला स्ट्रैप तो काफी बढ़िया लुक मिलता है आपको इस पर और अगर मैं यहां पर जो स्क्वायर डायल वाले वॉच के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर जो है नॉइस कल फिर प्रो थ्री

यहाँ पर ट्वेंटी टू mm का स्ट्रैप सपोर्ट करता है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है नाइक एडिशन वाला स्ट्रैप लगाया इस पर तो देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है ये भी और यहाँ पर जो नॉइस ब्रियो है ना उसमें ट्वेंटी टू एम का का सपोर्ट किया गया इसलिए मैंने यहाँ पर जो है रेड वाला लगाया हुआ है तो काफी बढ़िया लग रहा है वॉच और अगर आपके पास कोई वॉच है अगर आपको उसका जो है मतलब कितने एम mm के उसमें स्ट्रैप यूज किया गया वो पता करना है तो सिंपली आप यहाँ पर जो एमेजोन में जाकर चेक कर सकते हो या फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पर नॉइस का स्मार्ट वॉच है ना तो आप यहाँ पर नॉइस की वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लेना नॉइस वाले तो जो है काफी क्लियरली मैं देते हैं स्ट्रैप साइज बाकी बोट या फिर फायरबोल्ट वाले जो क्लियरली पर मेंशन नहीं करते फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लेना उनकी वेबसाइट तो यही था दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको जो है इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को भी जो पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर इस वीडियो पर यहाँ पर जो, जो जादा जादा है ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं डेफिनेटली जो इससे भी ज्यादा स्टेप्स परचेस करेंगे और वॉचेस पर भी लगाकर देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यही था दोस्तों आज का वीडियो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा